क्या बात है? अतीन नौकरी की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता है, तूने उसके लिए खाना भी नहीं पकाया? उसके जाने का वक्त हो गया, क्या भूखा जाएगा वो? मैं जानती थी कि तुम भूल जाओगे। मैंने कल रात को कहा था ना कि सुबह के लिए चावल का दाना भी घर में नहीं है, और वो बनिया है ना, उसे उधार देने से इनकार कर दिया है, तो मैं क्या पकाऊं? सुधा, लगता है भगवान पर तेरा विश्वास खत्म होता जा रहा है। अरे जिसने पेट दिया है वो भोजन का प्रबंध भी करेगा, ये मेरा अटल विश्वास है। कौन आया होगा? कौन? हमारे भोजन का प्रबंध करने के लिए भगवान ने जरूर कोई दूत भेजा है। एक पर्चे पर लिख दे रसोई के लिए तुझे क्या क्या चाहिए। अच्छा। कमल बाबू, कमल बाबू है क्या? अरे कोई जवाब तो दो अंदर से। ये दमे की बीमारी, सांस लेने दे तो जवाब दूं। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। कहो दुर्गादास, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ, कमाल करते हैं कमल बाबू, आज मुकदमे की पेशी है, आपकी गवाही है। गवाही है तो सवेरे जल्दी आना था तुमको। मैं तो समझा था कि पेशी की तारीख बढ़ा दी गई होगी। अच्छा अच्छा, आप ज्यादा देर मत कीजिए, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए। नहीं नहीं, घर का रसद पानी सब खत्म है, वो सब खरीदने के लिए मुझे पहले बाजार जाना है। क्या बात करते हैं कमल बाबू, आप फौरन चलिए, नहीं तो सारा केस चौपट हो जाएगा। आपकी पहली गवाही है। पहली हो या आखिरी हो, तुम्हारे मुकदमे के लिए मैं घर में फाका डाल दूं? एक तो झूठी गवाही दिलवाते हो, ऊपर से चिट्ठी करते हो। झूठ और सच तो आपको उसी वक्त सोचना चाहिए था जब गवाही के लिए पूरे 300 रुपए पेशगी लिए थे। अरे उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि दूसरी पार्टी सच्ची गवाही के लिए मुझे 500 रुपए देने के लिए तैयार होगी। तुम लोगों की वजह से धन धर्म दोनों तरफ से मैं संकट में आ गया। 500? कमल बाबू, क्या पलटे मारने की ठानी है? तुम्ही इससे बात करो दुर्गादास, मैंने तुम लोगों को जबान दी है तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर भी मैं गवाही तुम्हारी तरफ से ही दूंगा। भले ही मेरा 200 का नुकसान हो जाए, बस मैं बाजार से लौटकर स्नान कर लेता हूँ। अभी स्नान भी बाकी है आपका? अरे स्नान बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें मालूम नहीं, गवाही से पहले हाथ में गीता दी जाती है, स्नान बिना मैं हाथ में गीता कैसे उठाऊंगा? कमल बाबू, इतनी दया कीजिए, आप स्नान कीजिए, सामान मैं भाग के ला देता हूँ। बोलिए क्या क्या चाहिए। हाँ, अब समझदारी की बात की है तुमने, काम जल्दी हो जाएगा, जाओ। हाय, आपको सामान चाहिए, दुकान चाहिए? ये तो पूरी बारात का सामान है, इसे खरीदने में तो पूरे 2 घंटे लग जाएंगे। मोल तोल में ज्यादा झकझक न की तो जल्दी हो जाएगा, जाओ। लेकिन पैसे? सौदा तो पहले लेकर आओ, पैसे का हिसाब तुम लोगों से फिर से करना पड़ेगा। सुना नहीं, सच्ची गवाही के लिए मुझे 500 मिल रहे हैं। चल भाई, हो गया कलियां लाला जी का। ओह हेल, करेक्ट। हाय वीनस। कौन है बीना, क्या तुम जानती हो उसको? अपोलो। अपोलो? मैं उसे पेंट करना चाहती हूँ। जरा उसकी चाल तो देखो। ओह मैनली ही इज। टू हेल विद हिज चाल यार। तू बड़ी जल्दी आ गया, तेरे काम वाम का क्या हुआ? तू तो इंटरव्यू देने गया था ना? नौकरी तो मिल रही थी माँ, और तनख्वाह भी 850 से शुरू हो रही थी। ये कथा सुना सुना कर तो बोर कर चुके हो, संपल तो आओ। ये तो कहो हुआ क्या? तू बीच में टांग मत अड़ा, जा भाई के लिए कप चाय बना के ला, चल। अरे माँ जरा ये 800 का ड्रामा तो सुन लो। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ रे? माँ जैसे ही मालिक को मालूम पड़ा कि मैं कमल नैन सिंह का बेटा हूँ, सब गड़बड़ हो गई। उनसे किस जन्म का बैठा उस मालिक को? पिताजी ने थोड़े से पैसों के लिए उसके खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दी थी। मैं ये बात नहीं मान सकती, वैसा खोटा काम कभी नहीं कर सकते। जानकर अनजान क्यों बन रही हो माँ? जानती नहीं हो क्या कि गली से आते लोग उनको देखकर रास्ता बदल देते हैं, कि कहीं राम राम भी हो गए तो चंदिया के बाल मुड़ जाएंगे। चुप कर जन्म चली, बाप के लिए ऐसी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती? चली जाए यहाँ से, जा अपने कमरे में बैठ। मुझे तो जन्म भर ही बैठना है उस कमरे में, तुम खुद ही चाय बना देना अपने बेटे के लिए, मैं जाकर बैठती हूँ।
माँ, पिताजी के लाड़ प्यार ने इसे बदतमीज कर दिया है, लेकिन जो कुछ ये कह रही है वो झूठ भी नहीं है। पिताजी झूठी आन बान रखने के लिए हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस खंडर जैसी हवेली को बेचकर इसके हाथ पीले क्यों नहीं कर देते? मेरी नौकरी लगती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत है दुनिया के साथ चालाकी और हेरा फेरी करने की? मेरे साथ उनकी बुराई मत करो, उन्हीं की आज्ञा को धर्म समझकर चलना होगा। मुझको भी और इस घर में सब लोगों को भी, समझे? देखा वो आ गए, कहीं तुम दोनों की बात ही न सुन ली हो, बहुत दुखी हो गए। कई बार समझाया है बच्चों से उलझा मत करो, एक तो मैं जिंदगी भर कोई सुख नहीं दे सका, ऊपर से उनकी जान को तेरी झाँझ लगी रहती है। दो चार पुस्तकें क्या पढ़ ली है, समझते सारी विद्या उन्हीं की बुद्धि में आ गई। अब चले हैं बाप को अकल का रास्ता दिखाने। हाँ सुनो, अतिन कह रहा था हवेली की जायदाद बेचकर वासने के हाथ क्यों नहीं पीले कर देते, क्यों उसकी उम्र निकाल रहे हैं? अरे बेकारी से वो बहुत परेशान है आजकल, घबरा घबरा कर बेवकूफी की बातें सोचता है। जब वक्त आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। वो तो मूर्ख है दोनों के दोनों। हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ गांव भर में जो झूठी सच्ची लगाते हैं वो अपने कानों में धर के मेरी ही सामने जुबान से दोहराते हैं। तो बच्चा और किसको कहते हैं सुधा, जो अपनी अकल से कुछ भी न सोच पाए, जो भी दुनिया कहे उस पर जय हिंद बोल दे, इसी को ना। जो सारा जग मुझे नीच समझता है तो मेरे बच्चे मुझे 420 नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। पर उनके समझने से मेरा क्या बनता बिगड़ता है, मुझे तो किसी तरह से भी अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी है। ले, वासना के लिए एक साड़ी लाया हूं, अतीन के लिए सफेद जूता, उसके सफेद जूतों की एड़ियां बिल्कुल बिल्कुल घिस गई थी। कई दिन से देख रहा हूं मैं। मन्नू दीदी तुम चिंता ना करो, राम कनाई बाबू को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं आज ही केतकी के लिए अजय की बात चलाती हूँ। डॉक्टर सुशीला, तुम अगर उस सरफिरे लड़के का घर बसा दो तो मेरा सब दरिद्र दूर हो जाएगा। मौसी, ये किसका घर बसाने की बात हो रही है? तेरे भाई अजय के ब्याह की बात हो रही है, सुशीला रिश्ता लगा रही है। अच्छा, किसके साथ? वो राम कनाई बाबू है। हाँ? उन्हीं की भांजी केतकी से। अच्छा। अजय को लड़की बहुत पसंद है, सोचती हूँ मनपसंद लड़की से ब्याह होने पर अजय की बुरी आदतें छूट जाएंगी। बस भैया को वही एक बोतल की बुरी लत पड़ गई है, वरना आदमी तो हीरे जैसा है, ब्याह के बाद वो जरूर सुधर जाएंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर। पिताजी, कुछ हुआ बेटा? हाँ, वो मोटर शोरूम वाली नौकरी मिल गई। शुक्र है भगवान का। बहुत अच्छा, लेकिन तनख्वाह बहुत कम है, 550 रुपए। अरे इतनी बड़ी डिग्री है तेरी, फिर तनख्वाह क्यों इतना कम दे रहे हैं? वो सेल्समैन का काम है ना, वो दे ही रहे हैं, अपने पास से कुछ ले तो नहीं रहे। बेकारी से ये अच्छा है, बैठ बेटा, 550 रुपए आएंगे घर में। आएंगे कहाँ से, रोज 25 मील जाना और 25 मील आना, इसमें खर्चा नहीं होगा क्या? माँ, मैंने इसीलिए फैसला किया है कि मैं वहीं रहने का इंतजाम कर लूंगा ताकि खर्चा तो बचे। तू क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है, वहाँ हवा पानी बदलेगा, यहाँ गाँव वालों की मनहूस बातें सुनने के सिवा क्या रखा है। हाय, हाय अपोलो। हाय वीनस। वीना इज माय नेम। अतिन सिंह एट योर सर्विस, कहिए क्या इरादे हैं? इरादे तो बहुत बुलंद है, फिलहाल के लिए कोई अच्छी सी गाड़ी दिखा सकते हैं? ओह श्योर श्योर, आइए आइए ना, ये देखिए इनमें से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, और इस तरफ देखिए, इस गाड़ी का एक ही मॉडल है। मॉडल वॉडल छोड़िए, पहले ये बताइए कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। कंडीशन का भी पता चल जाएगा, लेट्स हैव अ ट्रायल। अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है, लेकिन ये तो सिर्फ मुस्कुराए जा रहा है। मामला कुछ गड़बड़ लगता है, ये तो गाड़ी की बात ही नहीं करती। लगता है मामला कुछ जमा नहीं है आपको, वापस चले। इतनी जल्दी कहां जाते हो, जरा शांत हो जाने दो, जिस काम को दोनों आए हैं वो काम तो हो जाने दो।
कुछ पसंद आया? हाँ। तो बताया नहीं? दिल की बात क्या बताई जाती है, खुद ही समझ लो ना। ओ, समझ गया। तू कहने का मतलब समझ गया, गाड़ी का कुछ भी न हो सका, मेरे दिल को उसका अब तक फिकर लगा। मेरे दिल की समझा बातें, बस 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 मैं तेरी पसंद को समझ गया। तू समझ गया तो कह देना, यही कहता हूँ मुझे जाने दो। तो ऐसा साथ निकली तो लड़कियां देखती रह जाए। वाह क्या हसीन है, महजबीन है, दिल की भी रंगीन है। पत्नी मिले तो ऐसी साथ निकले तो लड़के देखते रह जाए। ये किस्मत वाला कौन है बता, तस्वीर बनाई तूने है जिसकी, वो मेरे नैनों में रहता है जो, मैंने पीर बसाई दिल में है उसकी। जीवन भर का साथ बना है, अभी अभी तो प्यार है शुरू हुआ। मैंने जीवन तुझको आसना, तुम्हारे पिताजी को शक हो गया है, इस वजह से मैंने कंपाउंड के पीछे आना छोड़ दिया है। परंतु मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम जानती हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दहेज के लिए 50,000 का इंतजाम कभी नहीं कर सकेंगे। बेहतरी इसी में है कि हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। मेरे पास काफी पैसा है, जीवन भर तुमको रानी बनाकर रखूंगा। कंपाउंड के पीछे लाल टंकी के पास रात के 2 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा रतन। वासना। जी पिताजी। मुझे बड़ी फिक्र लग गई है तेरी। क्यों, क्या हुआ? बारिश के दिन करीब आ रहे हैं। पिछले साल तूने कहा था ना कि कई जगह से पानी टपकता है अंदर। तो मैं ऐसा करता हूँ, तेरा सामान मैं तेरी माँ के कमरे में रखवा देता हूँ। कुछ दिनों के लिए तू वहीं रह जा, फिर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ।
पिताजी आज के दिन मुझे यही रहने दीजिए, मैं कल चली जाऊंगी। ठीक है ठीक, जरा देख लेता हूँ कहाँ पानी टपकता है। हाँ, तेरी माँ ने चाय बनाई होगी, जा लिया। अच्छा जा रही हो बेटी, सोई नहीं अभी तक? कहीं भी तो नहीं पिताजी, सर में बहुत दर्द हो रहा था, सोचा जरा खुली हवा में टहल लूं। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चल बाप और बेटी जी भर कर बातें कर लेंगे, फिर तू क्या बात है, जरा ज्यादा परेशान नजर आती है, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर लेटती हूँ। हाँ हाँ, चल चल आराम कर, आराम कर ले। अरे सुधा, इतनी रात भी क्या सुधा सुधा कर रहे हो, खैर तो है? चलम बस होती रहोगी क्या, अपनी बेटी की फिक्र भी रखा कर। क्या हुआ? दर्द से तड़प रही है। क्या हो गया उसे? क्या जाकर देख, संत लाकर सुना दे उसको। जल्दी करो वासना, अपनी गाड़ी का वक्त हो गया है। वासना नहीं, वासना का बाप आया है। मामा, बाबू मरा था, मामा। मामा, अब मामा कहते हो तो वासना तेरी कौन है? वासना मेरी बहन। नीच, कमीने, बदमाश, बदमाश, बहन की इज्जत के पीछे पड़ा है, बहन की इज्जत। मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं पागल हो गया था। मैं तुझे आज जान से मार डालता, पर तेरा क्या जाएगा, जाएगी तो हमारी इज्जत। मगर एक एक बात, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर फिर तूने कभी इस हवेली का रुख किया तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर जिंदगी में फेंक दूंगा। मैं आज ही गांव छोड़कर चला जाऊंगा। आज ही इसी वक्त। रतन? हाँ, उसने वासना को बहका दिया था, वासना उसके साथ आज रात को भाग रही थी। क्या कहते हो तुम? ये रहा सबूत, देखना। हाय राम, भाग रही थी, उसका दिमाग खराब हो गया क्या? और वो तो उसका भाई लगता है, इसीलिए तो मैं उस कमीने को पागल कुत्ता कहता हूँ। उसका सर तो मैंने कुचल दिया है, मगर वासना का इलाज करना चाहिए फौरन। लेकिन इलाहाबाद वाले तो दहेज में 50,000 रुपए मांगते हैं, इसका क्या इलाज है? इलाज है, सुन, पहले अतिन की शादी होगी, वहां से जो दहेज आएगा उसे वासना की शादी हो जाएगी। ठाकुर कमल नयन सिंह जी, चरण छूकर कहता हूँ दाता कि अतिन बाबू तो हीरा है हीरा, पर आपके बारे में कैसे छुपाऊंगा। और फिर चरण छूकर कहता हूँ दाता कि 50,000 का दहेज तो कोई इज्जतदार बड़े घर वाला ही देगा, पर कष्ट यह है कि मैं जहां पहुंचता हूं उसके पहले आपका नाम पहुंच जाता है। चरण छूकर, मिस्टर चरण छू जी, बैजू जी, एक काम करो तुम। फरमाइए। कैंची और उस्तरा खरीद कर अपना हजामत का धंधा फिर से शुरू कर दो जी। ब्याह शादी कराने का कारोबार तुम्हारे बस का नहीं है। दाता, आपके आशीर्वाद से छोटी मोटी आसामी को तो अभी भी मूड लेता हूँ, पर ये
50,000 की आसामी आपके लिए मूंढना जरा असंभव सा लगता है, तो मैं आज्ञा नहीं। सुनो जी, पड़ोस के गांव में एक लकड़हारा रहता है। जी हाँ, राम कन्हाई सिंह। हाँ, नाम सुना है उसका? राम कन्हाई सिंह, जो मैयत की लकड़ियां बेच बेच करके लखपति हो गया। उसकी एक भांजी है। जी हाँ, खेत की बीए पास है, मगर शकल सूरत में इस पर भी राम कन्हाई के बड़े मिजाज है साहब। हाँ, वो आपकी बड़ी साली है ना, मनोरमा देवी, उसके भतीजे अजय के मामले में बीच में पड़ा था, मगर राम कन्हाई ने घास नहीं डाली। कहने लगा कि ऐसे शराबी कबाबी को तो मैं अपनी भांजी की जूतियां साफ करने को भी नहीं रख सकता। वहां आपकी दाल नहीं गलेगी सर। बैजू जी, तुम मुझसे अपनी दाल रोटी की बात करो। जी, राम कन्हाई सिंह के पास जाकर एक एक लफ्ज इस तरह कहो जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जी, रिश्ता पक्का करने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। अजय साहब, बड़े घर के खुरचन से 10 आदमी पेट भरते हैं। लड़का आपके जैसे कारोबारी विचार वाला है, मोटरों के बिजनेस में है, 1,000 रुपए से तो शुरू हुआ है और इसी धंधे को बढ़ाने के लिए वो विलायत जा रहा है। विलायत जा रहा है? जी हाँ, ये देखिए ना, ये पासपोर्ट का फोटो। लड़का देखने में तो अच्छा है। अजी साहब, लखनऊ के सेठ लक्ष्मी नारायण जी लड़की के साथ 1,00,000 रुपया दे रहे थे अंधेरे में चरण छूकर। 1,00,000 रुपए? जी हाँ। तो फिर क्या हुआ? अजी, लड़की बिल्कुल आधुनिक विचारों वाली, फैशन वैशन टिप टॉप, और लड़के को ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी तो हो मगर सुशील हो, धार्मिक विचारों वाली हो, पूजा किए बिना अन्न ग्रहण ना करे और रामायण पढ़े बिना खटिया ना देखे, बिल्कुल आपकी केत की जैसी। लीजिए जल्दी से शगुन की मिठाई लीजिए। मैं तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हारी तरफ खींचता चला गया, लेकिन तुम्हारा मन भी इतना सुंदर है यह आज ही पता चला। तो फिर वो स्केच पूरा करने के लिए थोड़ा सा और वक्त दोगे? थोड़ा क्या, पूरी जिंदगी लिख दी है तुम्हारे नाम। ये तुमने मेरे मन की बात कैसे कह दी? दिल को दिल से राज होती है। डैडी। हेलो बेटे। डैडी, डैडी मीट अतिन सिंह। हेलो, हाउ आर यू? ये रसिकपुर राजवाड़ी के वारिस हैं डैडी। रसिकपुर? वैसे तुम काम क्या करते हो? जी, मैं जेनिथ ऑटोमोबाइल्स में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ। ओह, आई सी। अरे विक्रम, आओ आओ आओ। हेलो अंकल। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज मी। अतिन, मीट विक्रम, मेरे परम मित्रों में से हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। उम्मीद है आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। जरूर जरूर। और ये है सुरेश कथुरिया, बहुत अच्छे पेंटर हैं। और ये है मिस्टर जानकी दास, यहाँ के लीडिंग जर्नलिस्ट, पीआरओ एंड व्हाट नॉट। वीना, मैं तुम्हारे लिए एक वंडरफुल न्यूज लाया हूँ। हमारी ग्रेट आर्ट सोसाइटी का उद्घाटन तुम्हारे डांस से किया जाएगा। करेक्ट। और साथ ही साथ तुम्हारे पेंटिंग्स की एग्जीबिशन भी की जाएगी। करेक्ट। जानकी दास ने सारे प्रेस को बुलाया है। और हमें पूरा विश्वास है कि इसके बाद आप बहुत बड़ी स्टार बन जाएंगे। वीना, डोंट यू वांट टू सेलिब्रेट इट इन एडवांस? यस, व्हाई नॉट, गो एंड हेल्प योरसेल्फ। थैंक यू। हिप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे। वीना, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। आई विल सी यू ऑफ। मुझे मालूम नहीं था कि तुम डांस भी जानती होगी। जानती तो नहीं, लेकिन अगर आप आएंगे तो खुशी के मारे नाचने लगूंगी। आप आएंगे ना? आऊंगा, नहीं तो जाऊंगा कहाँ। अच्छा, बाय बाय। अरे, ये पोलो वाला यहां तक पहुंच गया। फासले दूरियां
हसी हसी जवानियां जवान जिंदगानियां आए न फिर ये लौट के बना दे तू कुछ कहानियां विजया, ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। अच्छा, तो आप हैं अतिन। ओ आई सी। मैं भी सोचूं, वीना दिन रात आप ही के नाम का जप क्यों करती रहती है, लेकिन आज साक्षात देखने के बाद पता चला वीना तो क्या कोई भी लड़की आपके नाम का जप कर सकती है। हाय वीना, आज तो तुमने कमाल कर दिया। ओ, हमारी ग्रेट आर्ट सुनने का कितना वंडरफुल इनॉग्रेशन हुआ है। ओह श्योर श्योर। कोई खास बात है? पिताजी का खत आया है, उन्होंने मेरी बहन की शादी मुकर्रर कर दी है। मुझे आज ही रसिकपुर जाना होगा। फिर लौटोगी कब? ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में। एक हफ्ते में यहाँ एक पल गुजरना मुश्किल है, तुम एक हफ्ते की बात कर रहे हो? एक हफ्ता यूं गुजर जाएगा। ना, यूं क्या? ना। यूं आया। पिताजी, आपने मुझे बुलाया। बैठो। तुम्हारी बहन की शादी की तारीख मैंने तय कर दी है, लेकिन एक समस्या है। 50,000 का बंदोबस्त करना है। तो फिर आपने बंदोबस्त किए बिना ही तारीख पक्की कर ली? मैं तो समझा था कि ये हवेली ये जायदाद बेचकर या गिरवी रखकर आपने इंतजाम कर लिया होगा। पिताजी, आखिर ये जायदाद इस वक्त काम नहीं आएगी तो फिर कब काम आएगी? हवेली कैसे बिक सकती है? हवेली तो पूंजी मल एक दिन नीलाम पर चढ़ाएगा। क्यों? देखो बेटे, तुम दिल लगाकर पढ़ाई में लगे रहो, इसलिए मैंने कोई परेशानी तुम तक पहुंचने नहीं दी। यह हवेली 20 साल से गिरवी पड़ी है। इसकी एक एक कुर्सी और मेज उसके पास गिरवी है, वरना 100-200 रुपए के लिए मैं लोगों से जाल फरेब करता फिरता। तो फिर 50,000 का कैसे इंतजाम करेंगे आप? इस परिवार के लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर चुका हूं। अब मैं बुढ़ा हो गया, बीमार भी। इस उम्र में गवर्नमेंट भी अपने नौकरों को पेंशन दे देती है। क्या तुम अपने बूढ़े बाप को रिटायर नहीं होने दोगे? अब इस घर की नैया तुम्हारे हाथ में है, तुम जानो तुम्हारा काम।
पिताजी आप तो मेरी हालत अच्छी तरह जानते हैं, दो दिन हुए नौकरी मिले और वो भी 500-600 रुपए के, मैं कहां से और कैसे इतनी जल्दी इंतजाम कर सकता हूं, मेरे लिए नामुमकिन है। मेरी औलाद होकर यह नामुमकिन शब्द जबान पर मत लाना, मैं जिंदगी भर नामुमकिन को मुमकिन बनाता रहा। मतलब लकड़ियों के ठेकेदार राम कन्हाई सिंह और उसकी दौलत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, और मतलब ये कि राम कन्हाई लक्कड़हारा राम कन्हाई अपनी भांजी के लिए तुम्हारे पैरों में 50,000 डालने के लिए तैयार है। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी, आप चाहते हैं कि वासना की शादी के रुपयों के लिए मुझे राम कन्हाई की भांजी से शादी करनी पड़ेगी? ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है मत करो ये शादी, तो 50,000 रुपए लाओ कहीं से। पर मैं कहां से लाऊं इतने रुपए? ये सवाल करने का तुमको कोई हक नहीं बेटा, जब भी तुम्हें कोई चीज की जरूरत पड़ी मैंने तो कभी नहीं कहा पैसा कहां से लाओ। तुम्हारी परवरिश तुम्हारी पढ़ाई में कसर न रह जाए इसलिए मैंने जिंदगी में क्या क्या जतन नहीं किए। पिताजी आपने जो कुछ भी किया अपनी औलाद के लिए किया वो आपका फर्ज था और आपने पूरा किया। फर्ज? सिर्फ माँ बाप का ही फर्ज होता है औलाद के लिए, क्या कुछ औलाद का भी होता है माँ बाप की तरफ? मैंने तो अपनी लाचारी देखकर राम कन्हाई की भांजी से तुम्हारी शादी पक्की कर दी, गांव में न्योते भी बटवा दिए हैं हमने। पिताजी जब रुपयों का इंतजाम नहीं था तो फिर वासना की शादी की तारीख पक्की क्यों कर दी आपने? जितने कम सवाल करोगे उतना ही कम दुख होगा तुमको, फिर भी जानना चाहते हो तो सुनो, अपनी शादी से ना उम्मीद होकर वासना का दिल बिल्कुल टूट गया है और इसका फायदा उठाकर वो बदमाश रतन ने उसको बहका दिया और अब तुम्हारी बहन उसके साथ घर छोड़कर भाग जाने के लिए तैयार बैठी है। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इलाहाबाद से यहां तक बदनामी होगी, तीन घरानों को जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, गांव वाले हमारे मुंह पर थूकेंगे और वासना वो क्या करेगी, तुम्हारे घराने की इज्जत पर कालिक पोत कर भाग जाएगी या कुएं में तुम्हें उसकी तैरती लाश नजर आएगी। ये चौतरफा पहुंचाल को रोकने के लिए तुम्हें इस शादी पर राजी होना ही पड़ेगा। तो यूं कहिए मेरे गले में फांसी का फंदा डाल चुके हैं। मामा जी आ गए, हम लोग बाहर चलते हैं। बेटी आज मेरा सपना सच्चा हो रहा है, तू एक बहुत बड़े घराने की बहू बनकर जा रही है, आज तू उस महान आदर्श की सेवा के लिए जा रही है जिसके लिए नारी का जन्म हुआ। भगवान ने जब यह सृष्टि रची तो उसे आगे चलाने का भार उसने नारी के कंधे पर सौंप दिया कि वो एक सुखी परिवार को जन्म देकर उसका लालन पालन करके मानवता और जाति को आगे बढ़ाए। केतकी तू बहुत भाग्यशाली है बेटी, शादी के बाद तुम्हें सिर्फ पति ही नहीं बल्कि सास ससुर के रूप में तुम्हें अपने माता पिता भी मिल रहे हैं, उनकी सेवा करके उनका दिल जीतना, क्योंकि अब वही तेरी दुनिया है वही तेरा संसार। मामा जी केतकी कहने को तो तू मेरी भांजी है लेकिन मैंने कभी तुम्हें अपनी औलाद से कम नहीं समझा, कभी कोई गलती हो गई हो मामा जी बेटी ये तेरी मां की निशानी है, उसका आशीर्वाद समझकर हमेशा इसे अपने पास रखना, ले पहन ले। ओम जन्मो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीते जन्मो रभिष्टवन्तिना। बन्नो ननन से इतना शर्माओगी तो अभी दूल्हा घूंघट उठाने आएगा फिर क्या करोगी? पलंग के नीचे छिप जाएंगी। वासना एक गद्दा पलंग के नीचे भी बिछा दो। आधी रात बीत गई, अब तो दुल्हन की जान छोड़ो,
भगवान करे तुम सब जल्दी ऐसे फूलों के सेज पर बैठो। मौसी आज तो आपको भी अपनी सेज याद आ रही होगी। हराम तू चल। बैठो। अरे अरे ये क्या, मैंने तो सुना था कि तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। पति के आगे झुककर स्त्री कितनी ऊंची हो जाती है ये मैंने पढ़ लिख कर ही समझा है। देखो मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है, बैठो। जी बात यह है कि नहीं नहीं इस वक्त ठीक नहीं होगा, तुम बहुत थकी होगी, सो जाओ। मुझे भी नींद आएगी तो मैं बालकनी में सो जाऊंगा। ये लीजिए। ओ, तो तुमने देख ली तस्वीर। आपकी जेब से गिरी तो नजर पड़ गई। खैर अच्छा ही हुआ, इतनी देर से मैं इसी परेशानी में था, सोच रहा था जो बात तुमसे करनी है वो अभी करूं तो तुम्हें बहुत दुख होगा, न करूं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा परेशानी होगी। ये वीना है। बहुत सुंदर है। हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पिताजी ने मुझे पूछे बगैर मेरी शादी की बात तुमसे पक्की कर दी। जब मैंने इनकार किया तो मुझ पर बहुत दबाव डाले गए, कहा गया कि ये राम कन्हैया बाबू के खानदान की इज्जत का सवाल है, रिश्ता टूटने से तुम्हारी बदनामी और जिंदगी की बर्बादी का सवाल है, वासना की शादी टूटने का सवाल है, कर्ज ये कि चारों तरफ बर्बादी और तबाही की भयानक तस्वीरें रखकर मुझे इस शादी के लिए मजबूर कर दिया गया। सच्चाई तो यह है इस वक्त इस कमरे में बैठकर तुमसे बातें करना भी यूं लग रहा है जैसे कोई जुर्म कर रहा हूं। इस घर में तुम्हारी हंसी न उड़ाई जाए इसलिए तुम्हारे कमरे में आ गया। अब नीचे सब सो गए होंगे, जाओ तुम भी सो जाओ, मैं जा रहा हूं। शादी कर ली? ये तुम क्या कह रहे हो? I can't believe it. पहले मेरी बात तो सुनो। गुस्सा करने से पहले मेरी क्या मजबूरी थी वो तो सुनो। छोड़ दो मुझे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें सुनना होगा। 50,000 रुपए के लिए मेरी बहन 5 साल से घर में बैठी थी,
वो 50,000 रुपया हासिल करने के लिए मेरे पिताजी ने मेरी शादी मेरे पहुंचने से पहले तय कर दी, क्योंकि ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल था, इसलिए मैं बेबस हो गया। लेकिन वीना, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, उसे फूलों की सेज पर छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। सच? प्रॉमिस करो कभी उसकी सूरत भी नहीं देखोगे? हाँ। अरे शर्मा क्यों रही है दुल्हनिया, दिलों से लड्डू फोड़ रही है। अच्छा तुम संभालो, मैं अभी आती हूँ। कितना काम पड़ा हुआ है। लड़के का बाप दहेज देखना चाहता है। खेत किसे जेवरों की बात की है तुमने? देखो मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, ये काम उससे नहीं होगा। और काम ही कौन सा हुआ है तुमसे, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। केतकी, बारात आ चुकी है बेटी, क्या कर रही हो? तैयार हो रही हूँ पिताजी। वैसे तो मैंने वासना को तैयार कर दिया है, लेकिन जेवर कहाँ है? सुनार उसके जेवर ले आया क्या? वही बर्बादी तो बताने आया हूँ बेटी। आदमी लौट कर आ गया है, कहता है उसकी दुकान पर पुलिस का रेड पड़ गया, वो जेल में है। मुझे क्या पता था कि वो सोने की स्मगलिंग भी करता है। मैं तो उसे अपने जैसा शरीफ आदमी समझता था, पूरा पैसा पेशगी दे दिया था। लेकिन ये सब कैसे होगा? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे कहूं, बड़ा संकोच हो रहा है, मगर इसके सिवा इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं है कि तेरे ही जेवरों से वासना को सजा दिया जाए। नहीं नहीं, तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तेरी खुशी ना हो तो जाने दे। ऐसे ही तीन कपड़ों में विदा कर दूंगा उसको। क्या गरीब की बेटी की शादी नहीं होती? कैसी बातें करते हैं आप पिताजी, इन जेवरों का मोल क्या आपकी आबरू से ज्यादा है? इस खानदान की इज्जत में ही तो मेरी इज्जत है, मैं तो दुल्हन बन चुकी, मेरे सब अरमान पूरे हो चुके हैं। अब जितनी धूमधाम से वासना विदा हो उतनी ही मुझे खुशी होगी। भूल से एक रह गया शायद, ये तेरी मां की निशानी है, उसका आशीर्वाद समझकर हमेशा इसे अपने पास रखना। ये मेरी मां का आशीर्वाद है, लीजिए ये भी दे दीजिए, इसके साथ ही वासना को मेरी मां का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ओम जन्नो देवी रभिस्तया आपो भवन्तु पीते जन्नो रभिस्तवन्तुना अजन्नो अपिपात यमुना हरदामोदरे आज ब्याह के दिन केतकी के बदन पर एक भी जेवर नहीं है, क्यों रंग बनाई? भांजी के ब्याह में किराए के जेवर चढ़ाए थे क्या? ब्याह के बाद सब वापस लौटा दिए? न जाने क्या बात है, पूछता हूँ केतकी से क्या मामला है। अरे पूछते क्या हो राम कन्हैया बाबू, दुल्हन को देख लो, सब मामला समझ में आ जाएगा। वही जेवर है ना? उस कमीने कमल ने मेरी भांजी के गले में एक हार तक भी नहीं छोड़ा। हाँ। सुना सुधा, लोग कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान है। इसमें हंसने की क्या बात है, ये तो सच है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये समय मुझको पीस कर मिट्टी में मिला डालना चाहता था। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, एक अजीज एक दोस्त भी हाथ बटाने वाला नहीं था, मगर तुमने देखा मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी की थी, धूमधाम से की। दुनिया को दिखा दिया रसिकपुर राजवाड़ी की शान और शौकत अभी भी वैसी है जैसी जन्म जन्म से थी।
सात सात कोस लोगों के कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे। समय जैसे बलवान को मैंने पांव के नीचे कुचल डाला। ऐसे अहंकार के शब्द मुंह से मत निकालो, नहीं तो भगवान को बुरा लग जाएगा। मेरे भगवान की इच्छा मेरे साथ थी सुधा, उसी ने तो मेरी यात्रा सफल की। अब क्या है, दो बूढ़े बेजान शरीर बच गए हैं, बस अब इनको बद्रीनाथ तक पहुंचाना है। वहां बहुत भगवान के भगत हैं, कोई ना कोई हमें ठिकाने लगा देगा। लेकिन केतकी का क्या होगा? केतकी? कौन केतकी? अरे तुम होश में हो या नहीं? हमारी बहू जिसे इतने धूमधाम से ब्याह कर लाए हो, उसी का नाम है केतकी, समझे? मैं किसी केतकी फेतकी को नहीं जानता, न कभी जानूंगा। मुझ में अब दम बाकी नहीं रहा, और इसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मेरे सब काम पूरे हो चुके हैं। वापस आ गया हतिम, वो देखो। सुहाग रात का गायब हुआ, आज आया। जरा मिले तो पूछना, नाराजगी तो मुझसे थी, बहन की शादी में क्यों नहीं आया? जो हुआ सो हुआ, अब आ गया यही अच्छा है। वो बैग में क्या रहा? बहू के लिए तोहफा लाया होगा।
चाय। सुनो। कहिए। जरा इस कागज पर दस्तखत करते जाओ। माँ जी उठ चुकी हैं, चूल्हे पे दूध रख के आई हूँ, देखे अभी आती हूँ। देखो ये एक सेकंड का काम है और मैं जल्दी में हूँ। क्या है? पढ़ लो। डाइवोर्स पेपर हैं, तलाकनामा। क्या सोच रही हो? मेरा अपराध। देखो गेतकी, जज्बाती मत बनो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन हम दोनों को जिस समस्या में फंसा दिया गया है उससे निकलने का बस यही एक तरीका है। समस्या? सुहागरात के कैसे कैसे सपने औरत के मन में होते हैं, वो एक औरत ही समझती है। उस रात भी आप मुझे ठुकरा कर चले गए और मैंने अपनी सारी खुशियां तजकर आपके दुख को अपना लिया। लेकिन कल रात जब आपने स्वयं मुझे स्वीकार किया तो मेरे सारे खोए हुए सपने लौट आए, मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन वो मेरी खुशी नहीं थी। मुझे रात की बात का बहुत दुख है, अब भूल जाओ उस बात को। यह खत मैंने तुम्हारी तरफ से लिखवाया है, इसमें जो लिखा है कि मेरा तुम्हारा कोई समागम कोई ताल्लुक नहीं हुआ, वो कानूनी उलझनों से बच निकलने के लिए बहुत जरूरी है। इससे मैं भी आजाद हो जाऊंगा और तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति? ब्याह से पहले तो मैं मुक्ति थी, लेकिन मैंने उस मुक्ति को त्याग कर अपनी खुशी से अग्नि देवता की साक्षी में ब्याह के बंधन को स्वीकार किया। सोचा था आपके प्यार का आश्रय लेके एक छोटा सा सुखी परिवार बसाऊंगी जिसे मेरे स्त्री धर्म को सफलता और पूर्ति प्राप्त हो। समझा, इसका मतलब यह हुआ कि तुम दस्तखत करना नहीं चाहती। ना करना मेरे बस में कहा, मेरे लिए तो आपकी आज्ञा मानकर आपके सुख के लिए उस पर दस्तखत करना भी पतिव्रत धर्म का पालन करना है। तो फिर सोच क्या रही हो, कर दो दस्तखत। अब तो मुझसे मुक्त हो। मुझे यकीन है कि दो चार दिन में तुम इस दुख को भूल जाओगे। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जरूर तुम्हें कोई ना कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो तुम्हें प्यार दे सके। भगवान के लिए बस कीजिए, मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन के सारे सुख आपको दूने होके मिल जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। देखो अब ये मांग का सिंदूर एक झूठ है, इस झूठ को मिटा दो। ठीक है, तुमसे नहीं होगा, मैं खुद ही मिटा देता हूं। अतिन कहां जा रही है? अतिन, अतिन, बहू, बहू, अतिन चोरों की तरह आया, चोरों की तरह चला गया,
पुकारते ही जवाब भी नहीं दिया। तेरी मां का सिंदूर, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ बेटी? हेलो बेटे, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही है। फर्स्ट यू किस मी, गुड लक, ऑल द लक इन द वर्ल्ड। लेकिन खुशखबरी तो सुना? सुनाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। आतिन नाम है उसका, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आतिन? हाँ। लेकिन बेटे, मैंने तो सुना था कि उसकी शादी हो चुकी है। शादी हुई थी, लेकिन आतिन ने उस लड़की को तलाक दे दिया। डैडी, वो शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। उसकी मर्जी नहीं थी तो उसने शादी क्यों की? डैडी, ये शादी कोई शादी नहीं थी, उसने अपनी बहन के लिए एक सुप्रीम सैक्रिफाइस किया था, एक बलिदान था वो। और मेरे लिए उसने अपनी बीवी की सूरत देखे बगैर ही डिवोर्स दे दिया। बेटी, ना तो मुझे ये तलाक समझ में आया और ना ही अपनी बहन के लिए उसका ये बलिदान। मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि अग्नि देवता की साक्षी में पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वचन आदमी सिर्फ समाज को नहीं देता बल्कि खुद अपनी अंतरात्मा को भी देता है। जिस आदमी ने अपनी अंतरात्मा के साथ विश्वासघात कर डाला, उस आदमी के लिए समाज, धर्म, सोसाइटी, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। जिसने एक बार किया है वो 10 बार भी कर सकता है। डैडी, आप उसके प्यार की भी इंसल्ट करें और मेरी भी। वीना, तू मेरी एक ही तो औलाद है, तेरा घर बसे इसी खुशी के लिए तो जी रहा हूं बेटे। लेकिन मैं तुझे अतिन के साथ शादी करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। डैडी, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा इख्तियार है। आई एम सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गया था कि तू अब सैनी हो गई है। बापू ना यही समझ रहा था कि तू अभी बच्ची है। तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं सिर्फ तुझे आशीर्वाद ही दे सकता हूं। कमल नैन सिंह, कमल नैन सिंह, अरे आइए आइए राम कन्हाई बाबू, बड़ा इंतजार था आपका। आइए आइए। केतकी कहाँ है? ओ, जलपान तो कीजिए, केतकी आ रही है। सुधा, समधी जी आए हैं, कुछ जलपान तो भेजो। अरे आइए आइए, अंदर आइए, यहाँ क्यों खड़े हैं? शरीफ आदमी के घर आए हैं आप। अपने आप को शरीफ कहते हो कमल नैन सिंह? तुम जैसा नीच और दगाबाज आदमी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ होगा। लगता है समधी जी बड़े गुस्से में है। गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या खुशियां मनाऊंगा तुमसे धोखा खाने के बाद? अतिन को 1000 रुपए तनख्वाह मिलती है, वो भी लायक जाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें मैंने नहीं की, वो बैजनाथ ने अपने धंधे के वास्ते की होंगी। वो तो बेचने वाला अपने सामान को जरूर अच्छा कहेगा, मगर ये तो खरीदार को चाहिए था कि परख कर माल खरीदे। परख चुका, इसलिए केतकी को लेने आया हूँ। बुलाओ केतकी को। तो मैं उसको कहाँ रखने वाला हूँ, जन्म भर आपका उपकार मानूंगा, अभी ले जाइए। सुधा, केतकी से कहो बोरिया बिस्तर लपेटे जल्दी, उसका मामा उसको लेने आया है। और सुनो, मुझे केतकी का सारा जेवर, दहेज, सब जो तुमने मेरी बिना माँ बाप की भांजी पर डाका डालकर अपनी बेटी को दिया है, इसी वक्त चाहिए, इसी वक्त। झगड़ा आगे न बढ़ाइए राम कन्हाई बाबू, आपकी बिन माँ बाप की भांजी ने मेरे बेटे को तलाक देकर मेरे खानदान का मुंह काला किया है। कमल नैन सिंह, अगर तुमने मेरी देवी जैसी भांजी के बारे में एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मामा जी, मेरी ससुराल आके इस तरह मेरे माता पिता का अपमान मत कीजिए। जिसने अपने हाथ से तेरे गले पर छुरी चलाकर अपने बच्चों के लिए तेरी बलि चढ़ाई, तू इस हत्यारे को अपना पिता कहती है? अब इसका और तेरा रिश्ता ही क्या रह गया है? चल अपने घर चल। घर से तो आप आखिरी बार विदा कर चुके थे मुझे मामा जी,
और वचन लिया था कि जीवन में जो भी संकट आए धर्म की राह से पांव नहीं हटेंगे मेरे। और अब सबसे पहले आप ही मुझे धर्म की राह से हटाने आ गए। केतकी, अतुल तुझे छोड़ चुका है, अब धर्म कहां का रहा? ब्याह के बाद पति ही नहीं माँ बाप भी मिलते हैं, ये भी आपने ही सिखाया था। केतकी, मैंने जो अपने हाथों से तुम्हें हत्यारों को सौंप दिया, तुम मुझे उस भूल की सजा दे रही है क्या? भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दे, चल मेरे साथ चल। मामा जी, आप मुझे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार करते हैं ना, मैं इसी प्यार की सौगंध देती हूँ कि चलने की बात अपनी जबान पर मत लाइए। मैं अब अपने इस घर की चौखट नहीं छोड़ सकती। मालूम होता है इन दोनों ने तुम पर जादू कर दिया है, लेकिन मत भूल तेरा मामा अभी तक जिंदा है। पिताजी, अब रात को क्या खाएंगे? मेरे ख्याल से दूध रोटी अच्छी होगी, चावल आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। सुधा, सुधा, ये मैंने क्या किया? मैं एक पवित्र आत्मा के दुख का कारण बना। मैंने केतकी पर बहुत जुल्म। शादी? अतिन और वीना की शादी? हाँ, क्योंकि तुम टेलीफोन पर नहीं मिले इसीलिए उन्होंने मुझे मैसेज भेज दिया कि आज दिन के 3 बजे हम सब लोग मिलकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाएं। नो वंडर, इसका मतलब ये है कि वीना अब तक हमारे विक्रम का फूल बनाती रही, माल बेचारा ये खर्च करता रहा और काम कोई और बना गया। करेक्ट। जानकी दास, तुम फिक्र मत करो, मेरा माल बेकार नहीं जाएगा। मैं वीना को अच्छी तरह समझता हूँ। देखते जाओ, अगर एक दिन ये शादी ना तोड़ी तो मेरा नाम विक्रम नहीं। ड्राइवर, तुमने ब्रेक गाड़ी को लगाया था या हमको ब्रेक कैसे लगा? आपको ब्रेक नहीं लगा, आपकी नोटनी जो है ना दरवाजे में फंस गई है। क्या फंस गई? नोटनी। ओ, धोती दरवाजे में फंस गई है। इस दरवाजे को गाड़ी से निकाल दो। अमित निकाल देता हूँ। अरे मौसा जी, नमस्कार मौसा जी। अजय, इतनी चिढ़ा ली तो इधर मत आओ, वहीं से बात करो। अरे मौसा जी, मैंने तो पीनी बंद कर दी है, मैं तो शराब छोड़ने की दवा पी रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ आज मेरे पीने और आपके पिलाने का दिन है, मैं तो कहता हूँ सारे गांव को पिलाइए। अरे भाई, आज आपके बेटे अतिन की शादी का शुभ दिन है, लव मैरिज। होश में आकर बातें करो अजय, घर में आग लगाने आए हो क्या? अरे वाह, कमाल के माँ बाप है आप लोग, यानी कि आप बछड़ी सूप फटक रही है और आप गुड़गुड़े गुड़गुड़ा रहे। अरे आपके बेटे ने आपको शादी का कार्ड नहीं भेजा? ये देखिए, सोने के पानी से लिखा गया है, गोल्डन पानी, गोल्डन पानी। अजी, अरे मौसा जी, ये आप कैसी बदशगुनी कर रहे हैं? अरे आपके बेटे की शादी का कार्ड और आपने गुड़ी बुड़ी कर दिया? अरे मैं तो कहता हूँ खुशियाँ मनाइए, हवेली में बत्तियां सुलगवाइए, शहनाइयां बजवाइए, जश्न मनाइए। हाँ हाँ, जश्न मनाऊंगा, एक ही तो बेटा है हमारा, जश्न जरूर मनाऊंगा। जाना नहीं अजय, तुम्हारे सामने जश्न मनाऊंगा। आज मर गया मेरे लिए, इंतु आज मर गया। औलाद है नहीं, औलाद थी, आज वो मर गई। इसकी हर चीज जला दूंगा, इसकी एक एक चीज जला दूंगा,
की कोई निशानी इस घर में न रहे। दिल मेरा भी फट रहा है सुधा। जवान बेटे की मौत पर किस बाप का दिल नहीं फटेगा। मगर उसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। जवान मौत मरा है लड़का, उसी शान से उसकी चीता भी जलाई जाएगी। तालियां बजाओ जी। देखो कैसा जगमगा दिया मैंने पूरी हवेली को। मानते हो या नहीं, किसी बाप ने अपने बेटे की शादी का ऐसा जश्न नहीं बनाया होगा। अरे तू रो क्यों रही है भाग्यवान, तेरे बेटे ने कितनी खुशी से अपना घर बसाया है। अजय का मुंह तो मीठा करवा। कैसी खुशखबरी लाया है तेरे लिए। पिताजी, केतकी जी, आई एम वेरी सॉरी, कैसे कहूं कैसे बोलूं, बड़ी बड़ी मनहूस खबर है। मुझे मालूम है। आपको मालूम है? जी हाँ, शहर से गांव तक कौन सा ऐसा घर है जिसमें आप उनकी शादी का ढिंढोरा नहीं पीट चुके, लेकिन यहाँ आकर इन बूढ़े दुखी माँ बाप को रुलाते शर्म नहीं आती आपको? अरे मैं तो बस खबर देने आया था। खबर मिल चुकी, आप किस बात का इंतजार है? आप किस बात का इंतजार? मैं ये कहना चाहता था। जाइए आप। के जाइए आप। जी मैं, आई एम वेरी सॉरी केतकी जी, आई एम वेरी सॉरी। आंसू पहुंच डाल, आंसू पहुंच डाल सुधा। आज से केतकी हमारी बेटी है और बेटा भी। बस उसी का सुख हमारा सुख, उसका दुख हमारा दुख है। वीना, क्या तुम हमसे नाराज हो? हम सब लोग यहाँ तुम्हारी शादी की खुशी में जश्न मना रहे हैं। आवाज सुन रही हो? यस विक्रम। बंद करो ये, कैसे दोस्त है तुम्हारे, मौका बेमौका फोन करते रहते। हमारी शादी की खुशी में मेरे दोस्त जश्न मना रहे हैं, उन्हें थैंक यू तो बोलो। थैंक यू विक्रम। डार्लिंग, कट इट आउट, हर चीज का मूड होता है, मौका होता है। जाओ सो जा। राग भोपाली के आरोही और अवरोही दोनों में मा और नी वर्जित हैं। मतलब सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, समझ गए? अच्छा तो सिराज तुम हारमोनियम पे गा के बताओ ये स्केल, जल्दी आओ। और तुम लोग मेरे साथ साथ लिखो अपनी नोटबुक में। रे केतकी गर्भवती? नामुमकिन। ये आप क्या कह रही हैं उषा देवी, तलाक नामे में तो लिखा है कि उसका और उसके पति का कोई संपर्क ही नहीं हुआ। इसी परेशानी में तो स्कूल से सीधी मैं आपके पास आई हूँ। हो सकता है उसकी तबीयत किसी और वजह से खराब हुई हो। राम कन्हाई बाबू, अब दो बच्चों की माँ हूँ मैं,
मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। स्कूल में किसी और को मालूम तो नहीं हुआ? मेरे ख्याल में अब तक किसी और को नहीं मालूम, लेकिन कब तक ये बात छुपी रह सकती है? मेरी तो आबरू मिट्टी में मिल जाएगी उषा, कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, जाते जाते डॉक्टर सुशीला को मेरे पास फौरन भेजती जाओ। नारायण, नारायण, ओ नारायण, नारायण, क्या बात है? हाय डार्लिंग। हाय, नारायण बाजार गया है। गुड, आज पहली बार तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीने को मिलेगी। ऋषि मुनि ने कहा है कि जब पति थका रहा ऑफिस से वापस आए तो पत्नी के हाथ की बनी हुई गरम गरम चाय की प्याली एक मन अमृत का असर करती है। कट इट आतिन, मुझे डॉक्टर विजया के यहाँ जाना है। क्यों, क्या बात है? आई मिस माय पीरियड्स। आई मिस माय पीरियड्स। इसका मतलब मैं बहुत जल्द बाप बनने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बिकम अ पापा। ए मेरा सपनों की रानी। कमाल है डाले, तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया, अकेली डॉक्टर के यहाँ चली गई। मामूली सी बात थी, तुम्हारा काम नहीं था। तुम इसे मामूली सी बात कहती हो डार्लिंग? मैं तो इसको अपनी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन समझता हूँ। तुम तो जानती हो बच्चे का कितना अरमान है मुझे। ये देखो, आने वाले मेहमान के स्वागत के लिए कितनी शानदार। मैंने बच्चा गिरा दिया। क्या, तुमने बच्चा गिरा दिया? लेकिन लेकिन तुमने ऐसे क्यों किया बिना? डार्लिंग, बच्चे तो फिर भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन जवानी लौट के फिर दोबारा नहीं आती। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी फिगर, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती कुछ देर और कायम रख सकूं? तो फिर शादी करने, घर बसाने का मतलब क्या हुआ? शादी करने का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना और उनकी आयगिरी करना नहीं होता। अतिन, क्या इतनी जल्दी तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है? हाय वीना। ओ हाय। आई एम सॉरी। कांग्रेचुलेशंस, अभी अभी डॉक्टर विजया ने बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ है। अतिन, इतना प्रगतिशील कदम उठाने पर तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये लाओ वीना, हियर इज योर हेल्थ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा सुनना भी मेरे लिए पाप है। बच्चा गिराकर उसकी हत्या करने की बात आपके मुंह से निकली कैसे? कैसी औरत हैं आप? डोंट गेट एक्साइटेड केतकी, गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे तुम्हारे मामा ने भेजा है। जब से तुम्हारे गर्भवती होने की खबर मिली है, उनका खाना पीना छूट गया है, वो इतने परेशान है। मामा को भी मुझ पे भरोसा नहीं रहा। क्या उन्हें शक है कि यह बच्चा अतिन का नहीं? पागलपन की बातें मत करो केतकी, वो जानते हैं ये बच्चा अतिन का ही होगा। मगर दुनिया में क्या मशहूर है, यही ना कि तुम्हारा और अतिन का कोई संपर्क नहीं हुआ। तलाक नामे पर भी यही लिखा है और उस पर तुम्हारे साइन है। अब दुनिया को क्या मुंह दिखाओगी? औरों को तो छोड़ो, खुद अतिन भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं होगा कि बच्चा उसका है। वो मुंह से क्या बोलते हैं इसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि पुरुष पत्नी का आश्रय लेके खुद पुत्र के रूप में जन्म लेता है, ये उनकी जीती जागती छाया है। मैं इसे कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। मगर अतिन ने कहां अपना धर्म निभाया है? पति का भी कोई कर्तव्य होता है या नहीं? ये मेरे सोचने की बात नहीं है, वो जाने। मेरा धर्म पत्नी के कर्तव्य का पालन करना है और मैं उसे किसी कीमत पे करूंगी। मेरी तरफ से मामा जी के पांव छूकर माफी मांग लीजिएगा। ठीक है बच्चा। हाँ, अतिन का बच्चा उसके पेट में है। अगर आप लोग अतिन को नहीं ला सकते तो कम से कम केतकी को समझाइए कि वो बच्चा गिरा दे और वो शुरू करा दे, वरना दिमागी और इमोशनल टेंशन से कुछ भी हो सकता है। आई मीन एनीथिंग कैन हैपन, केतकी की जान जा सकती है। मुझे डॉक्टर होने के नाते जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, नमस्ते। अच्छा सुना आपने? तुम कहाँ आ रहे हो?
बात तूने हमसे छुपा के क्यों रखी अब तक? हाँ बहुत परेशान थी माँ, आने वाले का परिचय किसके नाम से कराऊंगी? क्यों, जब सीता मैया ने वनवास में लवकुश को जन्म दिया तो क्या वो राम की बेटी नहीं कहलाए? वो देवी थी, मेरा भरोसा कौन करेगा? ये दुनिया है, किस किस को जवाब देती फिरूंगी? तेरी दुनिया तो हम है बेटी। हाँ हमें मालूम है यतीम तो औलाद है, तू जरा भी चिंता मत कर। चलो कुल देवता की आरती उतारनी है, रसिकपुर के अंधेरे रजवाड़े में दिया जला है बेटी, दिया जला है। सीता के इस प्रकार सौगंध देकर पूछने पर लक्ष्मण आंसू पोंछकर बोले, हे मैथिली, मैं आपको निष्कलंक देखता हूँ, परंतु क्या करूँ, राम ने आज्ञा दी है कि आश्रम के निकट तुम्हें छोड़ आऊँ। हे वरान्य, यहाँ से निकट ही महामुनि वाल्मीकि का आश्रम है, उन्हीं के चरणों में रहकर अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत करो। लक्ष्मण के मुख से निकले हुए ये शब्द बिजली के समान सीता के हृदय पर गिरे और वह कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छित होकर धरनी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर पश्चात जब उसे सुधी आई तो वह नेत्रों से जल बहाती हुई बोली, हे वीर, विधाता ने मुझे दुख सहने के लिए ही रचा है। हाय, न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा घोर पाप किया था और किस स्त्री को पति से वियुक्त किया था जो इस प्रकार मुझे पति का बिछोड़ मिला है। अब मैं अपने प्यारे पति के मुख को कैसे देखूंगी, अपने दुख को किसे सुनाऊंगी और मुनियों के सामने किस मुंह से जाऊंगी और कौन सा अपराध अपने त्याग को बतलाऊंगी? हाँ विधाता, तूने मेरे सुख को सहन न किया। बस बेटी, बस। यार भाई, तुम हो के गए हो? नहीं हो। अजय, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि शराब पीकर ऑफिस मत आया करो, यहाँ मैं ड्यूटी पर हूँ। अरे यार, मैं भी स्पेशल ड्यूटी पर आया हूँ। तुमको मालूम है केतकी माँ बनने वाली है? केतकी माँ? हाँ। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे यार, तुम मुझे पागल कह रहे हो? अरे पागल तो उस सारे को कहो जिसने उस बेचारी गौ माता को कुएं में धकेल दिया है। मगर तुम फिक्र नहीं करो, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी बीवी से शादी करूंगा। अरे यार, मैंने सीधी बात कही और तुमने उल्टा हाथ कर दिया। मेरा मतलब था कि तुम्हारी एक्स वाइफ। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि गेट आउट कहना चाह रहा था। मैं गेट आउट। सुधा, इलाहाबाद वालों की मोटर आई है। हाँ, शायद वासना उसका दूल्हा आए हैं। हाय डैडी। अरे बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है आजकल, मुझे पिताजी से डैडी बना दिया। पिताजी वहाँ पर सब अंग्रेजी में बात करते हैं ना, इसीलिए आदत सी हो गई। ओ वासना, जो जेबर तू यहाँ से ले गई थी ना, उसमें एक हार था जो केतकी को उसकी माँ ने बतौरे यादगार दिया था। वो सभी जेवर एक से एक यादगार थे, बिल्कुल पुराने फैशन के कंडम। वहाँ बड़ी हंसी उड़ाई मेरी ननंद की सहेलियों ने, इसलिए मैंने सब गलवा डाले और ये नए बनवाए। पर वो देवी जी खुद कहाँ हैं? कौन देवी? वही यादगार जेवरों वाली। वो तेरी भाभी है वासना। अब काहे की भाभी ठाभी, वहाँ इलाहाबाद भर में इतनी बदनामी हो रही है मेरी। तुम दोनों उसकी कमाई की रोटियों पर क्यों पड़े हो? ऐसी परेशानी थी तो मुझको खबर क्यों नहीं की? 100-200 तो वहाँ मैं भिखारियों को बांट देती हूँ। वहाँ कुछ कमी है क्या मेरे पास? ये लो 500, जब और जरूरत होगी लिख देना, मैं भेज दूंगी। कैसी हो वासना, बड़ी देर के बाद आई। देर में आई या सबेर, जब जी चाहा आ गई। मेरा तो मायका है, पर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मेरी ससुराल है। आहा, बेशर्मी की भी हद होती है। जब भैया ने तुम्हें तलाक दे दी तो यहाँ धरना देकर क्यों बैठी हो? वासना, जबान को लगाम दे। पिताजी, वासना मेरी ननंद है, उसे लड़ने का पूरा अधिकार है। वासना तुम मुझसे जी भर के लड़ लेना, लेकिन पहली बार मायके आई हो, मुंह तो मीठा कर लो। अरे
तुमने तो इस घर को इस लायक भी नहीं रखा कि यहाँ के गृह मंदिर का चरणामोद भी छुआ जा सके। न जाने किसके पाप की निशानी मेरे माँ बाप के गले में डालकर पाल रही हो। वासना, अब मैं आपका दिया नहीं खाती जो डर जाऊँ। हैरियत इसी में है कि तुम अपने बच्चे को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं यही कहने आई हूँ। सीधे पाँव की चुड़ैल, उल्टे पाँव तू निकल जा मेरे घर से। ये ले अपने भीख के टुकड़े, अपने पास रख ले। ठीक है, I will never come to this house again. उसे माफ कर दे बेटी, वो पागल हो गई है। अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो ले जाऊंगी। लो मैं भला हो गया, मुझे ले चलो। ओले 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 मिला बेटा। मुन्ना राजा, हम तुमको रेलवे पार्क में ले जाओ। हाँ, उधर बड़ी बड़ी झाड़ जैसी बहुत सी तितलियाँ हैं, तितलियाँ पकड़ोगे? सच? अरे तो काम झूठ बोलते हैं। चलो पकड़े, चलो पकड़े हैं, पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। स्कूल कितनी दूर है? वो सामने रेलवे क्रॉसिंग का फाटक है ना, उसके उस पार तो हर स्कूल है। अभी फाटक खुलता है तो चलते हैं। है? मुन्ना, तुम तनिक छुक छुक गाड़ी से खेलो, हम जरा घूम के आते हैं। जाओ शाबाश। मुन्ना कहीं जाना नहीं। हाँ शाबाश, जय शिव शंकर, राम राम दुबे भैया, राम राम। राम राम पाची भैया, राम राम। अपना भी नंबर नंबर लगेगा कि नहीं? अपना भी कोई चानस वानस है? अरे अपनी तकदीर की थोड़ी सी भंग बची है कि नहीं? अरे पाची भैया, तोरी कविता के बिना तो भंग के नशा पे रंग नहीं चढ़त। अरे अभी कविता कहाँ से रही? जब से पाचू भैया की जवानी गई, ओके साथ साथ कविता भी गई। अबे नशा पिए वाला कबो बूढ़ा नहीं हो, समझे? ससुर के नाती भाग यहाँ से, क्यों आया हमारे डब्बे में? मैं गार्ड का डब्बा बनूंगा, मेरे पास चीटी है। तू हमारी ट्रेन में मत आ, तू बहुत खराब आदमी है, हमारी ट्रेन का चीटन हो जाएगा। मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे में क्या खराबी है? मेरी माँ कहती है कि तेरे बाप का पता नहीं, तेरी माँ झूठी है। मेरी माँ को झूठा बोलता है, तेरा मुँह फोड़ दूंगा। देखो ऐसी बातें नहीं करते, आपस में लड़ते नहीं, हाँ मिलजुल के खेलते हैं। चलो भागो, खेलो, चलो। तुम किसके साथ आए हो? पंचू के साथ। पंचू के साथ? पंचू यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? कहाँ है स्कूल? पता नहीं। पता नहीं? अच्छा अच्छा समझ गया, चलो हम तुम्हें अपने स्कूल ले चलते हैं। चलो चलो, मैं सारा दिन पढ़ूंगा। सारा दिन पढ़ोगे? क्यों? क्या करूं, कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं, कोई मेरा दोस्त भी नहीं। अच्छा, मेरा भी कोई दोस्त नहीं, मेरे दोस्त बनोगे? तुम लड़कों जैसी शैतानी नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। तो मिलाओ दोस्ती का हाथ, आज से हमारी दोस्ती बिल्कुल पक्की। पक्की? हाँ हाँ।
बम भोले भैया हाँ। आज भंग बड़ी जोरदार बनी है, लगता है घोटे बड़े कस के लगाए। पांचू भैया घोटे तो अपने सिवा इंडिया में कोनो करे नहीं। भैया ना हम मुन्ना को छोड़ के आए, लेने जाना है, हम जाते हैं भैया। स्टडी दैट्स वेरी गुड। नहीं बेटे अब इसमें एक फुट और बाकी है, बस उसके बाद रोल खत्म। फी हाँ आजा आजा आजा। हाँ मुन्ना मुन्ना अरे मुन्ना बाबू यहाँ कहाँ चला है? अरे ओ टेस्ट मास्टर बाबू जरा ठहरना ठहरना। क्यों क्या बात है दोस्त? यही मेरा पांचू है। अरे मुन्ना बाबू तुम यहाँ फोटो खिंचवा रहे हो और वहाँ पांचू की खाल खिंच जाती, चलो घर चलो चलो। अच्छा तो तुम ही पांचू हो। तुम्हें तो मैं रोज देखता हूँ उस सामने वाली झोपड़ी में भंग पीते हुए। नहीं बाबू वो दुबे हमारे दोस्त है ना, तो यूं ही चले जाते हैं हंसी खेल के लिए। पांचू ये मुन्ना भी मेरा दोस्त है। अब से ऐसा किया करो जब भी तुम अपने दोस्त के पास जाओ ना तो मेरे दोस्त को मेरे पास छोड़ दिया करो। ये नहीं लाएगा तो मैं अपने आप चलाऊंगा। लाऊंगा लाऊंगा, आओ राजा बेटा आओ। सारे जहां से अच्छा रिंगो सदा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अरे भाई क्या हुआ, ये अफरा तफरी क्यों, ये भाग दौड़ किस लिए? एक बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया, भला हुआ बच गया, लेकिन चोट काफी लगी है। क्या हुआ भाई? किसी का बच्चा था जो ट्रेन के नीचे आते आते बच गया। ना जाने कैसे माँ बाप है जो बच्चों को अकेला छोड़ जाते हैं। के प्याला तेरे नाम का पिया। मुन्ना कहाँ है? अभी तो यहीं रही, पता नहीं खिसक कर कहाँ चला गया। हम उधर देख के आते हैं। मैं अपना साथ रहा हो जैसे तुमसे नहीं पहचान मेरी, लेकिन ऐसे लगता है पहले भी किसी युग में अपना साथ रहा हो जैसे। साथ रहा हो जैसे तुझसे मेरा क्या नाता, जब समझ नहीं पाता हूँ डूब के मैं गहराइयों में ये सोच
साथ रहा हो जैसे तुमसे नहीं पहचान मेरी लेकिन ऐसे लगता है पहले भी किसी युग में अपना साथ रहा हो जैसे अंदर आओ बेटी क्या बात है नमस्ते नमस्ते आप लोग तो मुझे पहचानते नहीं लेकिन मैं पहचानता हूँ आप रेलवे अकाउंटेंट मिस्टर सक्सेना की लड़की को गाना सिखाती हैं एक बार चलते चलते आपका गाना सुना भी था बहुत अच्छा गाती हैं आप मेरा नाम निर्मल है एक्सक्यूज मी इस घर में गाना सीखने के लायक तो कोई है नहीं हाँ मेरी बेटी कमला को बहुत शौक था लेकिन अब तो अपने घर की हो गई अरे आप अभी तक खड़ी है बैठिए ना वो बच्चा जिसे आप अंदर जी वो तो बहुत छोटा है गाना सीखने की उम्र नहीं है उसकी फिर वो बच्चा हमारा है भी नहीं पर निर्मल को उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है वो भी दिन भर यहीं रहता है फिर हम उसको कहीं बाहर जाने ही नहीं देते क्यों इतना प्यारा बच्चा है मगर लगता है इसकी माँ को इसकी कोई फिक्र नहीं एक नौकर पर छोड़ रखा है जो भंग पीता रहता है गाँव के बच्चे भी इस बेचारे को बहुत सताते हैं इसका बायकॉट कर रखा है अच्छा कोई खास वजह है इसकी रसिकपुर के लोग तरह तरह की बातें उड़ाते हैं कहते हैं इसके बाप का पता नहीं एक अच्छे घर की औरत की नाजायज औलाद है भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है जरा आप बच्चे को ले आएंगे क्यों उसे घर ले जाऊंगी घर आप मैं ही उसकी माँ हूँ जी, बुआ ये तो बहुत गड़बड़ हो गई क्या हुआ वो तो मुन्ने की माँ है अच्छा मुन्ने को लेने आई है तो ले जा मुन्ने को न जाने क्या क्या बग गया कैसे मुँह दिखाऊंगा तुम्हें ले जाओ ना रसिकपुर के लोग तरह तरह की बातें उड़ाते हैं कहते हैं इसके बाप का पता नहीं एक अच्छे घर की औरत की नाजायज औलाद है व्हाट ए स्वीट चाइल्ड कितना प्यारा बच्चा है कौन देगा ये कैलेंडर कंपनी वाले दे गए थे आपको चाहिए प्लीज एक मेरे रूम में भिजवा दीजिए ओके सर ओके ये लो फैलो माँ चलो मेरा दोस्त आया है तुम उसके साथ जाके खेलो मैं आटा गूंद रही हूँ वो तुमसे मिलने को आया तो उसे यहाँ बुला लो वो तुमसे बहुत डरता है जल्दी चलो नहीं तो चला जाएगा मुझसे डरता है मैंने तो कभी तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं डराया ना कुछ कहा चल देखूं तो कौन है कहाँ है तुम्हारा दोस्त नमस्ते नमस्ते मैंने हाथ भी नहीं धोए ऐसे ही चली आई मुन्ना कह रहा था उसका कोई दोस्त आया है जी ठीक कहा उसने आपके मुन्ने का दोस्त लेकिन आपका अपराधी हूं मैं अपराधी जी वो अपराध इतना बड़ा था कि अकेले में आकर क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी इसलिए मुन्ने को सिफारिश के लिए साथ में लेकर आया हूँ अनजाने में अपमान करने की क्षमा देंगी आपने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा गांव में मेरे और मेरे बच्चे के बारे में जो बातें होती हैं सिर्फ उसकी खबर दी है मुझे इसमें क्षमा की क्या बात है आपके मुंह से एक अपराध की क्षमा सुनकर दूसरे अपराध की क्षमा मांगने की हिम्मत आ जाएगी दूसरा अपराध जी मुन्ना बहुत प्यारा लगता है मुझे उसकी मैंने बहुत सी तस्वीरें खींची थी वैसे तो मैं बिल्कुल अनाड़ी हूं लेकिन एक तस्वीर बहुत खूबसूरत खींच गई ये अपराध हुआ जी नहीं अब यहां से शुरू होता है उस तस्वीर की एक कॉपी मेरा एक दोस्त ले गया था वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक है
आपकी आज्ञा के बिना उसने मुन्ने की तस्वीर का कैलेंडर बना दिया और साथ में ये 500 रुपए का चेक भी भेजा है मुन्ना के नाम। और ये रहा वो कैलेंडर। तस्वीर सचमुच बहुत खूबसूरत है। बाकी तो ये आप दोनों दोस्तों के आपस का मामला है। आप जाने, आपका दोस्त मुन्ना जाने। मुन्ना देखो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देखो। अरे ये तो मैं हूँ, लाओ मुझे दो, मैं दादा दादी को दिखा के लाऊंगा। आज मुन्ने की नजर जरूर उतारिएगा। बहुत बातें करने लगा है। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी नहीं, चाय उधार रही आप पर, ताकि दोबारा आने का बहाना तो मिले। अब आगे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। एक बार मुझे भी चलाने दे, एक चक्कर बच। अरे तुमने कितनी बार बोला कि हम तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहते? क्यों? इसलिए कि मेरी माँ कहती है तेरे बाप का पता नहीं। तू झूठा है, मेरे बाप का पता है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुन्ना, मुन्ना, मां, मां, अरे तू अकेले भाग के आ गया क्या? जूते कहाँ है? पंचर पास, मगर अपनी बात कौन कर ली? मैं एक बात करने आया था, मैं भूल गया। तू ये बात कहने आया था कि पहले दूध पीऊंगा फिर नहाऊंगा, है ना? ये ले। मिला ना जो बेटा। अरे दीदी पापा अभी ठंडक क्या आपको देते हैं? देखो देखो, मुझको अपनी बात याद आ गई। अच्छा बताओ। माँ रामी किसको बोलते हैं? बोलते क्यों उन्हें? सब लड़के बोलते हैं मेरा पिता कोई नहीं, मेरा पिता कहाँ गया? ऐसे नहीं बोलते बेटे, बोलते हैं मेरे पिताजी कहाँ गए। मेरे पिताजी कहाँ गए? शाबाश, ले पी ले। नहीं, पहले जा दो फिर दूध पीऊंगा। परदेश गए हैं। ले। कहाँ गए हैं? काम कर रहे। परदेश बहुत दूर होता है क्या? क्या चाहेंगे हो? ट्रेन से। वो कब गए थे? तू पैदा नहीं हुआ था? उससे भी पहले। तुम इनको अभी चिट्ठी लिखो। तू दूध पी ले, मैं लिखती हूँ। नहीं, तुम मेरे सामने चिट्ठी लिखो, मैं तुम्हारे सामने दूध पीऊंगा। अच्छा लिख। लिखो, अब मैं पैदा हो गया हूँ, फौरन जल्दी आ जाए। मनोज की मोटर से अच्छी लाए। मनोज मुझको अपनी मोटर नहीं देता है, कहता है किताब आप होता है उसको मोटर मिलती है। सब लिखते वो लिखो, बहुत बातें हैं। लड़के बहुत खराब है, उनको छताते हैं। चिनू की माँ सबसे ज्यादा खराब है, चिनू को मेरे साथ खेलने भी नहीं देती, कहते इसके बाप का पता नहीं। अपना पता भेजो, मैं चिनू की माँ को बताऊंगा। उनको रिमाइंडर भेजकर कह दीजिएगा कि जल्दी जवाब दे दें इस लेटर का। अरे ये तो वही कैलेंडर वाला बच्चा है ना?
Really, sir? Same calendar, baby. I see. मैं एक मिनट में आया. Good morning. नमस्ते. आप यहाँ क्या करने आए हैं? मोटर लेने आया. अच्छा, आप मोटर लेने अकेले ही आए हैं? जी नहीं, हम दोनों इकट्ठे आए हैं. आई एम निर्मल श्रीवास्तव. सिंह है, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जी, वो बैटरी से चलने वाली बच्चों की मोटर आप ही की कंपनी बनाती है ना? जी हाँ. तो दिखाइए ना, मैं वही तो लेने आया हूँ. अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी स्मार्ट बॉय. आओ, ये गाड़ी तो तुम जैसे स्मार्ट बच्चों के लिए बनाई गई है. ये देखो. अरे ये तो चिन्नू की भी गाड़ी से अच्छी है. अरे भाई चिन्नू क्या होता है, ये तो टिन्नू किन्नू पिन्नू मुन्नू सबकी गाड़ी से अच्छी है. ये देखो, इसमें हॉर्न भी है कि नहीं? मिस्टर सिंह, इसकी पेमेंट वो आप कैश काउंटर पर पता कर लीजिए जी. अब हम मुन्ने को लेकर ऑफिस में जाएंगे और चॉकलेट खिलाएंगे. आपकी मम्मी ने आइसक्रीम खाने से मना किया है, कोई बात नहीं, तब तक आप ये खाइए जब तक आपके पिताजी कार पैक करवाते हैं. वो मेरे पिताजी नहीं है, मेरे दोस्त हैं. अच्छा, बहुत छोटे दोस्त हैं आपके. आपके पिताजी कहाँ हैं फिर? वो कहीं परदेश चले गए, मैंने उनको देखा नहीं. सब लड़के मुझे सताते हैं, कहते हैं इसका बाप तो है ही नहीं. मैंने माँ से चिट्ठी लिखवाई थी, जवाब भी नहीं दिया. अरे वाह, कैसे पिताजी हैं आपके जो इतने प्याले प्याले बच्चे की चिट्ठी का जवाब नहीं देते? माँ से पूछा नहीं आपने जवाब क्यों नहीं देते? माँ कहती है परदेश बहुत बड़ा होता है, शायद खो गए हैं. आपका कहाँ घर है बेटे? रसिकपुर. आपका घर रसिकपुर में है? घर नहीं, राजवाड़ी है मेरे दादा की. कमल नयन सिंह नाम है उनका. आपके पिताजी का नाम क्या है बेटे? श्री अतिन सिंह. कभी तुम्हारी दुकान में मोटर लेने आ जाए, उनको कह देना कि मेरे दोस्त ने मोटर दिला दी, और उनको घर पहुंचा देना. अच्छा, तो आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको बाहर ढूंढ रहा था. चलिए चलिए, आपकी गाड़ी पैक हो गई है. तो ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे चॉकलेट दिया. बहुत बातें करता है ये. थैंक यू मिस्टर सिंह, थैंक यू वेरी मच. चलो. अरे एक्सीडेंट हो गया. आप इन्हें दीजिए, मैं गाड़ी सीधी कर देता हूँ. ये मुन्ने की गाड़ी और ये मुन्ना गाड़ी पे. मुन्ना, तुमने निर्मल बाबू से कार के लिए जिद क्यों की? मैंने जिद नहीं की, खाली एक बार बोला था. बिल्कुल सच कहा मुन्ना ने. ये मोटा तो मुझे मोटा वाले ने दी. माँ वो बहुत अच्छा, मुझे उसने इतनी सारी चॉकलेट दी. इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? आप इसकी हर मांग क्यों पूरी कर देते हैं? सच पूछे तो मुन्ने के जरिए मैं अपनी एक हसरत पूरी कर रहा हूँ. जी हाँ, माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, करीब बुआ ने पाल के बड़ा किया है. बचपन में ऐसी कार के लिए बहुत तरसा था मैं. आज मुन्ने की खुशी पूरी करके अपना अरमान पूरा किया. लेकिन आपने तो वादा किया था कि आप हम दोनों की दोस्ती के बीच में नहीं आएंगे. अच्छा, अब एक हसरत आप ही पूरी कर दीजिए. कहिए. ठंडी होने से पहले ये चाय पी लीजिए. सुधा. हाँ? तू भी कुछ देख रही है क्या? कुछ नहीं, आज तू मेरे लिए एक प्रार्थना कर. किस बात की? एक बात जो इस वक्त मेरे दिल में आई है, उसके पूरे होने की. निर्मल बाबू, निर्मल बाबू, राजा साहब को दमे का बहुत बड़ा दौरा पड़ा है,
सड़क पर ही गिर पड़े हैं। जारी साहब ने आपको जल्दी बुलाया है, अंदर का दम अंदर और बाहर का दम बाहर। पांचू तुम हवेली चलो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अच्छा बाबू, अच्छा। इसका मतलब इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाना होगा? नहीं नहीं, मैं इसकी राय नहीं दूंगा। बेहतर यही है कि इन्हें घर में ही आराम करने दो और हल्की गिजा दो। मैंने कुछ टॉनिक्स लिख दिए हैं, वो नहीं देते रहो, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ। निर्मल जी, डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? जी कहा कोई बीमारी कोई रोग नहीं है, सिर्फ कमजोरी है। मैं जानता था सुधा तूने बेकार निर्मल को परेशान किया मेरे लिए, अब इसकी खातिर बातें तो करो। हाँ, आ बेटा। निर्मल बेटे मेरे पास बैठो। जी नहीं चलूंगा, शहर जाके आपकी दवाई लानी। अपनी दवा करने के लिए तो तुम्हें बैठा रहा हूँ अपने पास। बेकार इतने बड़े डॉक्टर ले आया तुम, उसके पल्ले कहाँ पड़ने वाला हमारा मर्ज। नहीं, अपनी असली बीमारी मैं बताता हूँ तुमको। मेरी आत्मा में एक नासूर है, बरसों पुराना। मैंने अपने घमंड और अपनी नीच औलादों के सुख के लिए एक देवी की बलि चढ़ा दी। तुम समझ गए होगे केतकी, और मेरे इस नासूर की दवा सिर्फ तुम हो। अभी आपको आराम की जरूरत है, ये सब बातें फिर किसी दिन। मेरी जिंदगी में अब फिर किसी दिन कहां रहा। सांसों का कुछ खेल बाकी है। वादा करो केतकी का हाथ तुम थाम लोगे। नमस्ते। मुझे कुछ हुआ थोड़ी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानती थी मैं जरूर तबीयत खराब होगी आपकी। पैदल चलकर कहाँ गए थे आप मुझसे पूछे बिना? कहाँ गया था? कहीं भी नहीं। देखिए डॉक्टर ने झूठ बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है। तेरे मामा से एक जरूरी काम आना पड़ा था। मगर जब मैंने कह दिया था कि कंपाउंड के अंदर ही टहल लीजिए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, तो आप क्यों गए? जो काम था मुझसे क्यों नहीं कहा? तुझसे कहने की बात नहीं थी बेटी। चलिए एक बार मेरे कहने पे माफ कर दीजिए। चल कर दे माफ। देख कितनी बड़ी सिफारिश लाया हूं। दादा दादा दादा, तुम भी बच्चे हो। माँ मुझको डांटती है, तुमको भी डांटती है। मुन्ना ये डांट नहीं, ये प्यार है। बीमारी तो मुझे कभी नहीं मार सकेगी, मगर इसका इतना प्यार जरूर मार डालेगा, और मैं अब मरना नहीं चाहता हूँ। दादा तुम्हें दर्द है? घोड़ा बना के दिबा दूं? हाँ बेटे, मैं तो तेरी राह देख रहा था। आजा, 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 नहीं, 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 मुन्ना, नहीं बेटे, ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दे बेटी, मुन्ना जब लाते मारता है तो ताकत आने लगती है मेरे अंदर। इसी ताकत से तो जिंदा हो इतने दिन। और सुधा चाय बना रही है, तो निर्मल को बैठ कर जरा ढंग से चाय तो पिला दे। मैं पूछूं अब तो खुश हो ना यार भाई। बड़े बेशर्म हो अजय, फिर चले आए? अरे फिर आया हूँ, लेकिन फिर नहीं आऊंगा। आज मेरे इस गाल पर भी तमाचा मारो ताकि मैं चला जाऊं, नहीं तो मैं अपने इन हाथों से अपने गाल पीटूंगा। अरे केतकी की शादी तय हो गई। किसके साथ? अरे काले कौए के साथ। अपने हाथ से तो गई है, कोई साला स्टेशन मास्टर, साला निर्मल। साहब आपको बड़े साहब ने बुलाया है। बड़े साहब ने बुलाया है? भाई तुम अपने होश में हो कि नहीं? बड़े साहब ने बुलाया है यार, साला निर्मल कहीं का। विना, विना, ओ ये नारायण का मर गया। नारायण को मैंने छुट्टी दी, क्या चाहिए? सर दर्द से भटा जा रहा था, चाय की एक प्याली चाहिए थी। ये घर में आती तुम्हारा सर,
डर से क्यों फटने लगता है? बिना सुबह से शाम तक पावर खड़े रहना पड़ता है, और आज तो भागदौड़ में लंच भी गोल करना पड़ा। समझ गई, इसका मतलब मेरा सेंट आज भी नहीं लाए तुम। तुम्हारे सेंट का ताल्लुक मेरी भागदौड़ से नहीं है। 5-7 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी तो तुम्हारा सेंट भी आ जाएगा। लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे ड्रेसेस बनवाने के लिए पहले कंपनी से कितना एडवांस ले चुका हूँ। सोचने का मौका तो तब था जब लखपति लड़की मुझसे शादी करने के लिए पागल हो रहे थे। जब नहीं सोचा तो अब क्या सोचूंगी? और अब तो हद ही हो गई है कि मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि विक्रम की पार्टी में जाकर किस लड़की से सेंट की भीख मांगूं। आज फिर पार्टी है? तुम्हारे इन कल्चरल फ्रेंड्स की पार्टियों ने तो हमारे घर जीवन का चैन छीन लिया है। बिना डार्लिंग, आज तुम मेरी खातिर किसी पार्टी में नहीं जाओगी। आज हम दोनों शांति से घर में ही रहेंगे और तुम मेरे लिए चाय बनाओगी। हा? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मेरे डैडी ने मुझे आर्ट की एजुकेशन दी, चूल्हा फूकना नहीं सिखाया। इसमें नौकर मालिक का सवाल नहीं है वीना, ये घर हमारे जीवन नहीं है, इसको खेना हम दोनों का फर्ज है। मैं मेहनत करके जो कुछ भी हो सकता है कमा कर लाता हूँ, तुम समझदारी से उसमें पूरा करने की कोशिश करो तो ये नहीं ये पार लग सकती है। तुम्हें चूल्हा फूकना नहीं आता, ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर तुम्हारे लिए स्टोव जला देता हूँ। वीना, 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 हाय दोस्तों, आज का आइटम है आंख मिचोली। मैं 1, 2, 3, 4 कहूंगा, 4 पर लड़के लड़कियों से हाथ छुड़ाकर अलग हो जाएंगे और लड़कियां आंखों पर पट्टी बांधे हुए अपने अपने पार्टनर को ढूंढेंगी। जो लड़की सबसे पहले अपने पार्टनर को ढूंढ लेगी उसे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, रेडी, 1, 2, 3, 4। Thank you.
विक्रम आओ मेरे साथ। जागे उलझन क्या, अपने दिल का तुम दिल भर चुन लो, अपने दिल का तुम दिल भर चुन लो। ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिश्रा दिन, यहाँ चुप चुप कर क्या बातें हो रही हैं? उधर आइए जरा पार्टी की रौनक बढ़ाइए। ऐसी पार्टी और ऐसी रौनक तुम्हें ही मुबारक हो। अतिन मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो ही हो या नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, जाओ बिना। भाई नारी तो निर्बल होती है और उसे मर्दों का खासकर अपने पति का कहना तो मानना ही चाहिए। विक्रम पति और पत्नी के बीच में आने की कोशिश मत करो। आई एम सॉरी। अतिन मैं ये पार्टी बीच में छोड़कर नहीं आऊंगी। क्या बात हुई बेना? कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि ऑफिस में बहुत काम होने की वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। I'm sorry, I'm very sorry. Let's not spoil the fun of the party. Correct. Let's get back. Very correct. आइए. Come on. तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? तुम समझती क्यों नहीं बिना, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। विक्रम और उसके गुर्गे सब समाज के भेड़िए हैं। वो पैसे के जोर से भोली भाली नादान लड़कियों को बहला फुसला कर उनका शिकार करते हैं। मैं उन्हीं से तुम्हें बचाना चाहता हूँ बिना। Stop insulting my friends. तुम जानते हो ये सब मेरे शादी के पहले के दोस्त थे। अब ऐसी कौन सी नई बात होगी जो तुम्हें उनसे इतनी नफरत होगी? नई बात यह है विना कि अब हम पति पत्नी हैं। इस रिश्ते को निभाने के लिए हम दोनों को शादी से पहले की बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। शादी के बाद कोई पति यह नहीं चाहेगा उसकी पत्नी अपने घर का बलिदान देकर दूसरे मर्दों के साथ गुलछेरे उड़ाती फिरे। अतिन तुम्हारे एक एक शब्द से पुराने विचारों की बू आ रही है। दोस्त और पति की अपनी अपनी जगह होती है। पति घर के लिए होता है और दोस्त सोसाइटी के लिए। वीना, वीना मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो बिल्कुल गलत है। गलत हो या सही, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो लेट्स टेक अ डिवोर्स। तलाक? हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रिश्ते बन चुके हैं उन्हें जबरदस्ती निभाया जाए। अच्छा, बहुत अच्छा, ये तुम मुझसे कह रही हो जिसने तुम्हारे लिए अपनी बीवी, अपनी माँ, अपना बाप, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। ये सब तुमने मेरे लिए नहीं छोड़ा, तुमने अपनी खुशी के लिए छोड़ा है, क्योंकि तुम मुझे पाना चाहते थे। जब तुम अपनी खुशी के लिए अपनी बीवी को छोड़ सकते हो तो मैं भी अपनी खुशी के लिए तुमको छोड़ सकती हूँ। मैं वही करूंगी जिसमें मुझे सुख और शांति मिलेगी। मुझे किसी से सती सावित्री का खिताब नहीं लेना है। तलाक के बाद मैं भी आजाद हो जाऊंगी और तुमको भी मुक्ति मिल जाएगी। मिसेस अतिन, मैं आपसे फिर कहूंगा कि इतना सीरियस कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। देखिए, गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए सहन शक्ति, त्याग, क्षमा, इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी। मिस्टर गुप्ता, इसमें फिर से सोचने की तो बात ही नहीं है। मिस्टर गुप्ता, कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसी वजह बताइए जिससे कि वीना को जल्द से जल्द तलाक मिल जाए। हेलो, मैं अतिन बोल रहा हूँ। वीना। बोलो वीना। मैं मिस्टर गुप्ता एडवोकेट के ऑफिस से बोल रही हूँ। तलाक के कागज मैं तुम्हारी तरफ से बनवा रही हूँ। जो तुम्हारी खुशी। एंड लिसन, हम दोनों को एक दूसरे से जल्दी छुटकारा मिल जाए इसलिए मैं ये रीजन लिखवा रही हूँ कि मेरा तुम्हारा कोई समागम कोई ताल्लुक नहीं हुआ। थैंक यू।
बीना डार्लिंग, बीना बेबी, कम ऑन। कितनी पिलाओगे विक्रम, आज तो तुमने दरिया बहा दिया। अरे आज तुम कितने बड़े बंधन से आजाद हुई हो, उसके लिए जितना भी जश्न मनाया जाए कम है। आज हम सब नशे के समंदर में तैरेंगे। बीना, तुम नहीं जानती मेरी जिंदगी का कितना बड़ा अरमान पूरा हुआ है आज। कम ऑन बेबी, लेट्स डांस, कम ऑन। मुझसे तो चला भी नहीं ज्यादा। Ouch. Well, gentlemen, I think she needs some sleep. Bye. Bye-bye. Correct. Hip, hip, hurrah! गुड मॉर्निंग डार्लिंग। ये क्या किया तुमने? कहां तक अपने होश रखे रहता? मुझसे शादी करने तक। शादी? तुम जानती हो शादी ब्याह के बंधन को मैं पुराने जमाने की जंगली रस्म समझता हूं। हम मॉडर्न सोसाइटी के, मॉडर्न कल्चर के इंसान हैं। हमारा धर्म है फ्री लव, बिल्कुल आजाद मोहब्बत, जिसमें एक दूसरे का कोई बंधन ना हो। बिना, तुम एक जीनियस हो, और जीनियस कभी भी शादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई सूरज को घर की चार दीवार में बंद कर सकता है? उसकी रोशनी तो सारी दुनिया में चाहिए। तुम जैसी लड़कियों के लिए किसी की पत्नी बनकर रहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। कम ऑन डार्लिंग, डोंट बी सेंटिमेंटल, कम ऑन। घर इस तरह उजड़ेगा, इसका डर मुझे शुरू से था। सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछिए। दे सका तो जरूर दूंगा। देखो अदिन, शादी के बाद हर लड़की के दिल में मां बनने का अरमान होता है, और वो इसलिए कि मातृत्व ही नारी जीवन की सफलता और उसकी पूर्ति है। और जब तुमको अपनी यह मजबूरी अच्छी तरह से मालूम थी, तो क्यों तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया? क्यों उसे इतने दिन तक दारक में रखा? नहीं दे सकूंगा आपके सवाल का जवाब। मैं दूंगी आपके सवाल का जवाब अंकल। तलाक के लिए अदालत में जो वजह बताई गई है कि शादी के बाद अतीन और वीना का कोई संबंध नहीं हुआ, वो बिल्कुल झूठ है। ब्याह के बाद आपकी बेटी गर्भवती हुई थी। लेकिन वीना ने तो मुझे कभी खबर नहीं की, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वीना ने मुझसे अबॉर्शन करवाया था। अबॉर्शन? जी हाँ, उसने मेरी दोस्ती और भरोसे का नाजायज फायदा उठाया, मुझे यकीन दिलाया कि अतिन की भी इसी में खुशी है। बाद में मुझे पता चला कि अतिन तो पिता बनना चाहते थे, लेकिन वीना माँ नहीं बनना चाहती थी। ये तुम क्या कह रही हो विजय? समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारा कोई दोस्त विक्रम और उसके गुर्ग सब समाज के भेड़िए। मैं अपनी जिद को बचाना चाहता हूं बिना। तुम जानती हो शादी काय के बंधन को मैं पुराने जमाने की जंगली रस्म समझता हूं। तुम जैसी लड़कियों के लिए किसी की पत्नी बनकर रहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। बिना मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जिस रास्ते पर तुम चल रही हो? तुम जैसी लड़कियों के लिए
पत्नी बनकर रहना बिल्कुल शोभा नहीं देगा। मैं उन्हीं से तुम्हें बचाना चाहूंगी ना। किसी की पत्नी बनकर रहना बिल्कुल शोभा नहीं देगा। गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। वीना मिटिया ने आत्महत्या कर लिया मालिक, आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया मालिक। जिंदगी में आजादी तो दी, लेकिन आजादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां, कुछ बंधन होते हैं, वो मैं तुम्हें नहीं समझा सका। इसलिए मैं ही तेरी मौत का जिम्मेदार हूं। नहीं न लड़ जाई है तो मनवा मा कसक होए बेकरी, हो नहीं न लड़ जाई बे तो मनवा मा क क स होए बेकरी। कौन है, कौन है, हो कौन हो भैया? अतिन कुंवर आप, हे भगवान, ये कौन दशा बना लिया आपने छोटे मालिक? मैं बिल्कुल ठीक हूं पांचू। तुम्हें देखने को हमारी आंखें तरस गई। यहाँ क्या खड़े हो छोटे मालिक? भीतर चलो भीतर, हम रानी माँ को खबर कर देते हैं। नहीं पांचू, ये घर अब एक पवित्र स्थान है। मुझ जैसे पापी की इस घर पर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। बस इतना कर दो, मुन्ना को बाहर ले आओ मेरे पास। हम अभी लाते, अभी लाते। घर में किसी को पता ना चले। ठीक है मालिक, ठीक है। तेरी यहां आने की जरूरत कैसे हुई? पिताजी मैं, चुप रहो। अजय से मुझे सब पता चल चुका है। उस घर से भी तुझे धक्के मार के निकाल दिया गया है। यहां तो कौन सा मोह लेकर आया है? और एक बात याद रख, जिस देवी का पति होते हुए भी तू उसे विधवा बनाकर चला गया था, आज मैं उसकी। मैं जानता हूं पिताजी, आप केतकी की शादी निर्मल से करके उसे फिर से सुहागन बनाने जा रहे हैं। जानते हो तो फिर यहां किस लिए आए हो? पिताजी मैं अपने बच्चे को एक नजर देखना चाहता हूं। अच्छा, अपना बच्चा, अपना बच्चा। अच्छा, दोनों घर उजाने के बाद अब बच्चे पर कानूनी अधिकार जताने आए हो ना? ये क्यों भूलता है कि तूने सरकारी स्टैंप पर लिखवाया है कि केतकी के साथ तेरा कोई समागम नहीं हुआ। मुन्ना तेरा बच्चा कैसे हुआ, बोल। आपने ठीक ही कहा, मेरा मुन्ने पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन मुझे गजनबी समझकर मेरी तरफ से ये खिलौने अपने पोते को दे दीजिए। तू मेरी नजरों से, जिस घर को शमशान बनाकर तू चला गया था, मैं उसे फिर आश्रम आश्रम बना रहा हूं। अगर तूने हमारी सुख और शांति भंग करने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आकाश से, वो तो मर गया। तेरा बाप मर गया, तुम सबके बाप मर गए।
झाड़ू फिरे तेरे मुंह पे, सबको कोसता है बड़ा आया बिजली की मोटर लेकर। अरे तेरा बाप मरा नहीं तो तेरी माँ की मांग क्यों सुनी है, संदूर क्यों नहीं भरती मांग में, चल अपनी माँ से पूछ, भाग जा, चल चल। मन में ठंडू क्यों नहीं लगाती माँ, बोलो मन में ठंडू क्यों नहीं लगाती माँ। तुम्हारे पिताजी से लाने को कहा था, वो लेकर आएंगे तो लगाऊंगी। तुम झूठ बोलती हो ना। मुझको मालूम पड़ गया कि ताबा मर जाता उसकी माँ ठंडू नहीं लगाती। उन्ना तुमने मुझे झूठ बोला, मेरा बाप मर गया। तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? जानो ये तस्वीर किसकी है? ये ये तो मोटर वाले शिंगशाब की है। हाँ यही मेरे पिताजी हैं। तुमको भी नहीं पता था, मुझको भी नहीं पता था। तुमसे किसने कहा? माँ ने। माँ ने? हाँ माँ ने पिताजी का फोटो रामायण में छुपा के रखा था। चलो मैं सब लड़कों को बताऊंगा ये मेरे पिताजी हैं। क्या तकलीफ है मुन्ने, जरा जोर से बोलो बेटा। आंखों की पट्टी खोलने की जिद कर रहा है। तुम्हारी आंखों पर थोड़ी सी चोट आई है ना, इसलिए पट्टी बांध दी। फिर मैं अपने पिताजी को कैसे देखूंगा? कल तक ठीक हो जाओगे तो खोल देंगे। माँ कल पिताजी आएंगे ना? डॉक्टर साहब मुन्ने की आंखों को कोई खतरा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, पलकों पर हल्के से जख्म आए हैं जिसकी वजह से मैंने पट्टी बांध दी है ताकि दवा रात भर में अपना असर कर सके, जब सो जाए तो पट्टी उतार सकती है। वैसे इसका सोना बहुत जरूरी है, मैंने इसे नींद का इंजेक्शन भी दिया है फिर भी ये बहुत बेचैन है। बाय द वे इस बच्चे का बाप कहाँ है? डॉक्टर साहब बच्चे का बाप मर चुका है। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर कल आऊंगा। चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। कमल बाबू मैं देर से आऊं तो परेशान न होइएगा, एक जरूरी काम निकल आया। भाई साहब अतिन बाबू यही रहते हैं? जी हाँ, लेकिन वो तो अभी अभी स्टेशन गए हैं। स्टेशन पर? जी हाँ, 5 बजे की गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। अतिन बाबू निर्मल बाबू आप और यहाँ लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं?
बस यूं समझो ये शहर छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ रसिकपुर चलना होगा। क्यों, सब खैरियत तो है ना? बस आप मिल गए, खैरियत ही समझिए। मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? बेहोशी की हालत में सिर्फ आपको पुकार रहा है। डॉक्टर का कहना है मुन्ना का आपसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर तूने हमारी सुख और शांति भंग करने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। देखिए आपको जहां भी जाना हो बाद में चले जाइएगा, इस वक्त मेरे साथ चलिए प्लीज। आइए ना, आइए। सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा था ना, उस मनहूस की कोई निशानी इस घर में नहीं रहनी चाहिए। अब देख सुधा, उसकी छाया भी एक नई बर्बादी लेकर आई। ये गुस्से का समय नहीं है, अब मुन्ना के लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो। माँ? हाँ मुन्ना। पिताजी को मेरी चिट्ठी नहीं मिली क्या? जरूर मिली है बेटे, अब तो सो जा बेटे, डॉक्टर ने सोने को कहा है। तुम्हें याद है ना, तुम शहर आए थे मोटर की दुकान में, मैंने तुम्हें मोटर दी थी। चच, मोटर की दुकान वाले? नहीं जाएंगे बेटा, नहीं जाएंगे, नहीं रहोगे ना? नहीं जाएंगे बेटा, अब सो जा।
लगेगा तो उसे क्या जवाब दोगी? जिस घड़ी की आस में मैंने जीवन भर इस घर के चौखट की तपस्या की है कि एक ना एक दिन आप जरूर लौट कर आएंगे, आज जब वो घड़ी मेरे जीवन में आई है तो क्या ऐसे ही लौट जाएगी? केतकी, पिताजी ने जो तुम्हारे बारे में फैसला किया है उसी में तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा सुख है। कमल बाबू के फैसले की ना तो केतकी को खबर है और ना ही कभी मेरे मन में ऐसी भावना जागी है। केतकी की बात का सिर्फ यही एक जवाब है।